सबसे पहला स्टेप है, हमने क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे इंजन दौड़, धीरे धीरे दौड़ना एक ही जगह पे, और जो जल्दी जल्दी दौड़ सकते हैं वो इस प्रकार भी दौड़ सकते हैं। इसको लगभग आप आधा मिनट से लेके 1-2 मिनट तक दौड़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमने करना है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में क्या करते हैं, लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप करते हैं पैरों में, और अपने राइट हैंड को उठाते हैं, श्वास को बढ़ते हुए हम लेफ्ट साइड झुकते हैं, टर्न करेंगे धीरे धीरे। अगर हम स्टार्टिंग में इतना कर पाते हैं तो इतना झुकें, और धीरे धीरे आप प्रयास करें कि जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाए, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरी साइड से करेंगे, श्वास को भरेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। और ये हुआ धीरे धीरे, इसको जल्दी जल्दी भी करना है तो इस प्रकार हम कर सकते हैं इस प्रकार। इससे क्या होता है, जो साइड में एक्स्ट्रा फैट है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। यदि आप इसको प्रतिदिन 10 बार, 20 बार, 50 बार करेंगे, देखेंगे हमारा मोटापा बहुत तेजी से कम हो जाएगा साइड का। फिर तीसरा स्टेप हम करेंगे कोणासन। कोणासन में क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार स्ट्रेट और श्वास को छोड़ते हुए हम पीछे देखते हैं लेफ्ट हैंड को, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास को भरेंगे, अपने राइट लेग को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे, फिर वापस। ऐसे अगेन एंड अगेन वी हैव टू रिपीट लाइक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। दी थ्री स्टेप एंड फोर्थ वन पादहस्तासन। पादहस्तासन में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और लगभग हमारे पंजों में 4 से 6 इंच का गैप रहेगा, और श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास को बढ़ते पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है तो उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने, और जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है, तो उनको आगे झुकने वाले स्टेप नहीं करने। थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कमर में दर्द है तो आगे झुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो आगे नहीं झुकना। और इसको जल्दी जल्दी करना है तो श्वास को बढ़ते पीछे, श्वास को छोड़ते आगे ऐसे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि हमारा माथा घुटनों से भी लगने लगे इस प्रकार। ये हुए हमारे 4 स्टेप। पांचवा स्टेप पीटी। जैसे हम लोग सभी लोग पहले स्कूलों में पीटी करते थे, सेम उसी प्रकार इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर फिर वापस ऐसे, और जल्दी जल्दी करना है तो इस प्रकार। इसको भी हम 10 बार, 20 बार, 50-100 बार तक कर सकते हैं। फिर लास्ट इसमें जो 6वां स्टेप है, खड़े होके ट्रंक ट्विस्टिंग। इसको योगा डांस भी बोलते हैं, तो क्योंकि काफी लोगों का योग डांस करने का मन करता है, तो हम इसे स्टेप को करेंगे तो डांस भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा। इस प्रकार दोनों हाथों को रखना है और टर्न करेंगे इस प्रकार, पैरों को उछालते हुए इस प्रकार, गर्दन सामने रहेंगे ऐसे। फिर जल्दी जल्दी करना है तो इस प्रकार।